नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन आर्मी की एक ऐसी ट्रिक जिसकी सहायता से आप अपनी हाइट, वेट, एजुकेशन और भी सारी जो भी जानकारी है एक बंदे के लिए भर्ती देखने के लिए वो आपकी सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। और आपके लिए बिल्कुल प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाके कि आप खुद अपने मोबाइल से अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी से मेरा मतलब है दोस्तों कि अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आप ये सीख जाएंगे कि आपके लिए कैसे चेक करना है इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर कि आपकी अगर मान लीजिए 160 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर, 165 या फिर 170, 75 सेंटीमीटर जितनी भी हाइट है, आप मान लीजिए किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं और आपका वेट क्या है और मतलब जो भी जानकारी है अगर आप चाहते हैं तो आप क्या है यहाँ पर जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ उस पर आप एंटर करके पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं कि आप किस भर्ती के लिए, किस ट्रेड की भर्ती देखने के लिए एप्लीकेबल हैं और किस ट्रेड की देखने के लिए नहीं है। तो दोस्तों पूरे डाउट क्लियर होने वाले हैं आपके इस वीडियो में। और ख़ास करके दोस्तों मेरे पास में बहुत सारे लड़कियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम वहाँ के रहने वाले हैं, तो हमारे लिए भी कोई स्पेशल वीडियो ऐसी बनाएं जिस वीडियो में हम ये पता कर सकें कि हमारे लिए आर्मी में भर्ती होने के लिए हाइट की, वेट की कितनी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए पूरा का सब कुछ बताने वाला हूँ कि आपके लिए क्या क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और ये वीडियो दोस्तों मैंने केवल लड़कियों की रिक्वेस्ट पे लड़कियों के लिए ही बनाया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने लिखा है ओनली गर्ल्स। अगर चाहें तो लड़के इस वीडियो को ना देखें, ठीक है, और देखेंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा, वो भी सीख जाएंगे। लेकिन अगर नहीं देखेंगे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि लड़कों के लिए भी मैं एक वीडियो इसी तरह से पहले बना के अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उसको भी देख लें। लेकिन ये वीडियो केवल लड़कियों के लिए होगी क्योंकि उनकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास में। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों इस चैनल पर आपके लिए डिफेंस के एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए बेस्ट चैनल है और इस चैनल को आपको आज ही सब्सक्राइब कर लेना जरूरी है क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की भी तैयारी कराता हूं जो कि आपके डिफेंस के एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए ही मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों यहां पर आ जाना आपके लिए अपने गूगल पे और गूगल में एंटर करने के बाद में आपको यहां पर सर्च करना है www.joinindianarmy.nic.in। उसके बाद में आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद में दोस्तों आपके लिए कुछ इस तरह से पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। उसके बाद में आप सबसे ऊपर जो ज्वाइन इंडियन आर्मी लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने इस तरह से कुछ वेबसाइट खुल के आ जाएगी। और अगर ये वेबसाइट इस तरह से खुल के नहीं आए, आपसे कुछ कैप्चा पूछ सकता है, तो उस कैप्चा के लिए आपको उसमें इंटर कर देना है और आप इस वेबसाइट में इंटर कर जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जेसीओस और एनरोलमेंट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आप यहां पर आ जाएंगे एलिजिबिलिटी पे, फिर आपको एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। एलिजिबिलिटी पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये छोटा सा एक फॉर्म खुलकर सामने आ गया है आपके। इस फॉर्म के लिए आपको फिलअप कर देना है। इसमें केवल आपका जिला, डिस्ट्रिक्ट, एजुकेशन और हाइट भी पूछी गई है बस, और आपका जेंडर पूछा गया है। तो जैसे मैं दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश भर देता हूँ, उत्तर प्रदेश। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भर देता हूँ मैं, जैसे आगरा डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद में यहाँ पर तहसील भी आगरा कर देता हूँ। उसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देता हूँ, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 फरवरी 2003 है तो 5 फरवरी 2003 कर दी मैंने यहाँ पे 5 फरवरी 2003। उसके बाद में क्वालिफिकेशन अपनी सिलेक्ट कर लूँगा, जैसे मैं 10+2 हूँ, तो या फिर आप इससे अगर कम भी हैं जैसे मैट्रिक पास हैं तो आप मैट्रिक भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक के लिए आपने पास कर दिया, पास पर टिक कर दिया। उसके बाद में मैरिटल स्टेटस पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको अनमैरिड कर देना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको नो कर देना है। उसके बाद में दोस्तों ये जो ZRO और ARO है इसको आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट डालेंगे आपका ZRO और ARO ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको अपनी हाइट तो पता ही होती है कि मेरी हाइट कितनी है, तो आप यहाँ से अपने हाइट आपकी कितनी है वो सिलेक्ट कर लें क्योंकि दोस्तों लड़कियों के लिए आर्मी में भर्ती होने के लिए 142 सेंटीमीटर हाइट की ज़रूरत पड़ती है, लगभग
4 फिट 7 इंच की। तो मैंने यहाँ पर 4 फिट 7 इंच इंटर कर दिया है, मतलब 142 सेंटीमीटर, और यहाँ पर मैंने कर दिया है फीमेल, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो मैंने केवल लड़कियों के रिक्वेस्ट पे ही बनाई है, खास करके लड़कियों के लिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे मैंने पूरी डिटेल भर दी थी, लेकिन एक गलती की थी यहाँ पर मैरिटल स्टेटस के लिए, जब यहाँ मैंने फीमेल किया तो ये चेंज हो गया था, ये इसको दोबारा से मुझे करना होगा। तो उसके बाद में मैं चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर दूंगा। चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पर डिटेल आ जाएगी कि आप किस किस ट्रेड में भर्ती देखने के लिए एप्लीकेबल हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि लड़कियाँ केवल आर्मी में वुमेन मिलिट्री पुलिस के तौर पर ही भर्ती हो सकती हैं, मतलब एज सोल्जर। अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी ट्रेड्स, काफ़ी रेजिमेंट्स हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पर अगर आप मतलब 10th पास होके और आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं एज ए सोल्जर, तो आप वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर दोस्तों जो क्वालिफिकेशन है वो भी आ गई है, आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपको दोस्तों 10th पास होना जरूरी है, उसके बाद में 42% आपके मार्क्स होना चाहिए ओवरऑल, और 33% मार्क्स से किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में कम नहीं होने चाहिए। एज आपके दोस्तों 17.5 से 21 साल तक होनी चाहिए, मतलब 17.5 महीने से और 21 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे लड़कियों की हाइट 142 सेंटीमीटर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कम करके देखता हूँ, 141 सेंटीमीटर अगर मैंने कर दी, उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दोस्तों ये मैसेज आएगा यू आर नॉट एलिजिबल एज हाइट क्राइटेरिया, मतलब ये कह रहा है कि आपकी जो हाइट है वो कम है और आप आर्मी में भर्ती होने के लिए योग्य नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से आपके लिए अपने स्टेट का और डिस्ट्रिक्ट का नाम भर देना है यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पर अपना एजुकेशन भर देनी है और यहाँ पर आपको अपनी हाइट भर देनी है। तो आपके सामने आप किस ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर मैं अभी कर देता हूँ 175 सेंटीमीटर, और यहाँ पर मेल की जगह कर फीमेल की जगह कर देता हूँ मेल। उसके बाद में एजुकेशन भी यहाँ पर कर देता हूँ मैं 12th पास, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जब जैसे मैं 12th पास करूँगा यहाँ पर अनमेरिट सेलेक्ट कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे मैं आर्मी के हर ट्रेड में भर्ती देखने के लिए एप्लीकेबल हूँ, और आपके लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है वो सब कुछ यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी है, उसके बाद में सोल्जर टेक्निकल है, उसके बाद में सोल्जर क्लर्क है, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर टेक्निकल और सोल्जर ट्रेड्समैन, और इनके सभी के यहाँ पर दोस्तों जो है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दी गई है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपको सभी भर्तियों की डिटेल चाहिए कि मतलब आपके लिए जीडी में कितनी हाइट, कितना वेट और कितनी परसेंटेज चाहिए, टेक्निकल में कितनी परसेंटेज चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो आप इस तरह से यहाँ पर हाइट और ये 10+2 करके आप देख सकते हैं। तो आपके सामने पूरी ट्रेड्स की डिटेल यहाँ पर खुलकर सामने आ जाएगी, जिससे क्या होगा कि आप किसी और के लिए भी बता सकते हैं कि आपके लिए अगर आप टेक्निकल की भर्ती देखेंगे तो आपके लिए, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्निकल की भर्ती देख रहे हैं तो आपके लिए 10+2 पास होना जरूरी है, और फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ होना जरूरी है, और उसके साथ में आपको इंग्लिश भी होना जरूरी है, और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स से कम होना नहीं चाहिए और ओवरऑल आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप उनके लिए भी बता सकते हैं कि आप यहाँ पर आके और ये कर सकते हैं, मतलब अपनी एलिजिबिलिटी जो है वो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल इतना ही था। वीडियो कैसी लगी पसंद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके लिए सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर आपके लिए इसी तरह से इंडियन आर्मी की न्यूज़ और उनकी तैयारी कराने का भी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।